तो आज बनाएंगे बिना लहसुन बिना प्याज के चटपटी मसालेदार लौकी की सब्जी। तो यहाँ मैंने करीब 400 ग्राम लौकी ली थी, इसे हमने हल्का सा थोड़ा मोटे साइज में काटना है आपको। मोटे साइज में काट कर इसे हमने 3 से 4 मिनट थोड़ा सा नमक डाल के बॉईल कर लिया। बॉईल करने के बाद में जो पानी था उसमें काफ़ी झाग बने थे, वो झाग निकाल दिया है और उसके बाद इसे ठंडे पानी में डाल दिया है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं चटपटी मसालेदार बिना लहसुन प्याज की लौकी की सब्जी। अब बता देते हैं सामग्री। 2 तेज पत्ते लिए जिन्हें मैंने तोड़ लिया है। 30 ग्राम मैंने मूंगफली ली है कच्ची वाली। 1/2 टेबल स्पून लेंगे जीरा। 2 इंच लेंगे दालचीनी। साथ में लिए 4 लौंग। राई ली है हमने छोटी वाली यानी मस्टर्ड सीड छोटे वाले 1/2 टेबल स्पून। 15 से 20 काली मिर्ची। 1 टीस्पून भुनी हुई कसूरी मेथी। 1 टीस्पून हींग और 4 से 5 हरी मिर्ची। साथ में लिया है हमने थोड़ा सा 30 से 40 ग्राम धनिया। 2 टमाटर छिलका और बीज निकाल दिया है इसका। हल्दी लेंगे 1/4 टीस्पून। नमक स्वाद अनुसार। कश्मीरी लाल मिर्च लेंगे 1/2 टेबल स्पून और 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर। छोटा मिक्सी के जार लेंगे, उसके अंदर डालेंगे हरी मिर्ची, मूंगफली, जीरा, राई, काली मिर्च, लौंग और ये वाला धनिया। धनिया डालने के बाद डालेंगे इसमें काला नमक 8 से 10 पिंच। थोड़ा सा पानी डालेंगे 15 से 20 बूंद और अब इसे पीस लेंगे बिल्कुल बारीक। तो यहाँ पर इसे पीस लिया हमने, ये देखिए। और पानी आपको थोड़ा सा और डालना पड़ेगा और ये इसको खाली कर देते हैं। तो ये लीजिए, हमने इसे खाली कर लिया है और इसमें मिक्सी भी हमने साफ़ कर ली है जार। थोड़ा सा पानी डालकर इसे थोड़ा सा मिला लेते हैं। तो जो हमने 2 टमाटर लिए थे उनका भी हमने पेस्ट बना लिया है छोटे साइज़ के। और यहाँ हमने चढ़ा दी है कढ़ाई। कढ़ाई में डालेंगे सबसे पहले हम 3 चम्मच तेल। 400 ग्राम के आसपास है तो तेल करीब लगेगा। तेल गर्म होने के साथ ही तेज़पत्ते, दालचीनी, हींग, हल्का सा तड़का लगने देते हैं इनको। तड़का लग गया है, अब जो हमने पेस्ट बनाया था वो डाल देते हैं इसमें। पेस्ट डाल दिया है, गैस कर देनी है अब हाई फ्लेम पर। और हाई फ्लेम पर इसे आपको करीब 5 से 6 मिनट पकाना है। थोड़ा सा मूंगफली की वजह से ये आइट साइड में चिपकेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए थोड़ा सा चिपकेगा और ये से हमने पका लिया है। तेल सेपरेट होने लग गया है। अब किसी जगह आपको लौकी को पानी में से निकालना है, ये निकाल कर डाल देते हैं। अब इसे अच्छे से लौकी में मिलाना है और करीब 2 मिनट लौकी को इसमें फ्राई करना है। अब इसमें डाल देना है धनिया पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ा सा नमक डालेंगे क्योंकि हम लौकी बॉईल करी थी जब भी नमक डाला था हमने, हल्दी मिक्स कर लेंगे एक बार। मिलाने के बाद डाल देना इसमें 1/2 कप पानी, 1 कप भी डाल सकते हैं, और थोड़ा सा चला लेते हैं। इसे हमने अच्छे से मिला लिया। अब इसे हम ढक के रख देंगे पूरे 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर। 2 मिनट बाद आएंगे ढक्कन। इसमें डालेंगे कसूरी मेथी, टमाटर वाला पेस्ट और हाई फ्लेम पर करीब 2 मिनट चलाएंगे। हाई फ्लेम पर 2 मिनट चलाने के बाद इसमें डाल देंगे थोड़ा सा बारीक कटा वाला धनिया, मिक्स कर लेंगे, गैस कर देंगे बिल्कुल लो फ्लेम पर। और लो फ्लेम पर एक बार फिर ढककर रख देंगे फाइनली 2 मिनट के लिए। तो ये लीजिए हो गए 2 मिनट। ये देखिए क्या शानदार कलर आया है। तो मिला लेते हैं एक बार। ये बिना लहसुन और बिना प्याज के लौकी देखिए आप कितनी लजीज और मुंह में पानी आने वाली। ये देखिए तैयार है गर्मा गर्म लजीज मसालेदार सब्जी लौकी की, वो भी बिना लहसुन प्याज की। फ्रेंड्स आया ना मुंह में पानी। तो ये लिए तैयार है। तो रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, घंटी बटन दबा के ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर ले ऐसी ही रेसिपी पाने के लिए।